हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अल्कोहल्स में क्लासिफिकेशन ऑफ द अल्कोहल्स एंड उसमें हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स के बारे में पढ़ा था, और आज हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कार्बिनल एटम सी बॉन्डेड टू द ओएच ग्रुप, इसके अकॉर्डिंग कार्बिनल कार्बन एटम क्या होता है जिसमें कार्बन ओएच से जुड़ा हो, उसके आधार पे जो एल्कोहल्स हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल अर्थात प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक सेकेंडरी एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल क्या होते हैं टर्शरी एल्कोहल। तो प्राथमिक अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं, टर्शरी क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे। तो इसकी तीन क्लासेज हैं। प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल का मतलब है इसमें ओएच ग्रुप है वो प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़ा हो, मतलब जिससे वह जुड़ा हो वो कार्बन क्या होना चाहिए प्राथमिक, मतलब वो जो कार्बन है जिससे वह जुड़ा है उस पे एक ही एल्किल ग्रुप होना चाहिए, वो क्या है प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो OH ग्रुप अटैच टू ए प्राइमरी कार्बन एटम। ठीक है, तो OH ग्रुप प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, वन एल्किल ग्रुप अटैच्ड, जिस कार्बन से OH जुड़ा है उससे एक ही एल्किल ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है सेकेंडरी एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल। ये क्या होता है जिसमें OH ग्रुप है वो सेकेंडरी कार्बन एटम से जुड़ा होना चाहिए, अर्थात OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस पे दो एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए या अटैच होने चाहिए। तो इसमें क्या होगा, OH ग्रुप अटैच टू ए सेकेंडरी कार्बन एटम या टू एल्किल ग्रुप अटैच्ड। ठीक है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है उससे दो एल्किल ग्रुप अटैच होने चाहिए। फिर थर्ड आता है टर्शरी एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल, जिसमें OH क्या होना चाहिए तृतीयक कार्बन एटम से जुड़ा होना चाहिए, इट मींस जो OH जुड़ा है जिस कार्बन पे उस पे तीन एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए या अटैच होने चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, OH ग्रुप अटैच टू ए टर्शरी कार्बन एटम या थ्री एल्किल ग्रुप अटैच्ड। ओके, फिर हम इसके एग्जांपल्स और स्ट्रक्चर्स देखते हैं। जैसे हमारा सबसे पहले है प्राइमरी या प्राथमिक। प्राथमिक में क्या है स्ट्रक्चर में, जिस OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस पे एक ही एल्किल ग्रुप होना चाहिए और बाकी दो वैलेंसी पे क्या होने चाहिए हाइड्रोजन। तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, प्राथमिक एल्कोहल की। ठीक है, एक ही एल्किल ग्रुप होना चाहिए। और इसके एग्जांपल हैं जैसे एथेनॉल, इसमें इस कार्बन से OH जुड़ा है उससे एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा है और दो हाइड्रोजन जुड़े हैं। एक ये भी हमारा इसका एग्जांपल है, टू मिथाइल वन प्रोपेनॉल, इसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे एक ही कार्बन जुड़ा है, फिर आगे वो कैसे भी ब्रांच्ड हो सकता है, बट ये अपने को यही देखना है कि फर्स्ट जो है वो एक ही कार्बन से अटैच है। फिर सेकेंड हमारा आता है सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी का मतलब जिस कार्बन से OH जुड़ा है उससे दो एल्किल ग्रुप अटैच होने चाहिए। तो ये कार्बन है, इससे OH जुड़ा है, इससे दो एल्किल ग्रुप है और एक क्या है हाइड्रोजन है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो गया, टू ब्यूटेनॉल। ठीक है, इसमें जिस कार्बन से OH जुड़ा है उससे एक ये कार्बन है, तो एक ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन है। तो ये किस टाइप का एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल। साइक्लोहेक्सेनेट ये भी किसका एग्जाम्पल है, सेकेंडरी एल्कोहल का एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट आता है टर्शरी एल्कोहल, इसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे तीन एल्किल ग्रुप अटैच होने चाहिए, हाइड्रोजन इसमें नहीं होता है क्योंकि चार वैलेंसी होती है, तीन पे एल्किल ग्रुप आ गए और एक पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया। इसका एग्जांपल है टू मिथाइल टू प्रोपेन, ये किसका एग्जांपल है टर्शरी एल्कोहल का एग्जांपल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्लासिफिकेशन में स्ट्रक्चर्स और एग्जाम्पल देखे हैं। अब एक होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल, मोनोडाई ट्राईहाइड्रोक्सी। क्या होते हैं ये, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है कि जिसमें एक से ज्यादा हो, ठीक है ना, मोर देन वन OH ग्रुप पॉलीहाइड्रोक्सी, फिर ये मोनोडाई ट्राई टाइप के होते हैं। एल्कोहल्स दैट कंटेन मोर देन वन OH ग्रुप पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल्स, ठीक है,
सबसे पहले है मोनोहाइड्रोक्सी, और वन OH ग्रुप, मोनो का मतलब होता है एक जिसमें एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, डाइहाइड्रोक्सी जिसमें दो OH ग्रुप हो, ट्राइहाइड्रोक्सी जिसमें तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स, भौतिक गुण, एल्कोहलों के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ एल्कोहल्स, एलिफेटिक एल्कोहल्स एंड लोअर एरोमेटिक एल्कोहल्स, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे। जो एलिफेटिक और लोअर एरोमेटिक एल्कोहल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, द्रव्य अवस्था में होते हैं। हाईली ब्रांच्ड एल्कोहल एंड एल्कोहल्स विद 12 या मोर कार्बन एटम वो क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा शाखित हो और क्या हो, जिसमें 12 या 12 से ज्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट हो, वो एल्कोहल क्या होंगे, ठोस अवस्था में होंगे। ये इसकी क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ एल्कोहल। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या देखेंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल्स आर हायर देन एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स ऑफ सिमिलर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्केन और साइक्लोएल्केन समान अणुभार वाले, जो एल्केन और साइक्लोएल्केन है लगभग समान अणुभार वाले जिनके होते हैं, उनसे ज्यादा इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल में क्या पाया जाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिससे मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल्स पास पास हो जाएंगे, तो इसको टेम्परेचर की ज्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया है एथेनॉल, ठीक है, प्रोपेन और मिथाइल क्लोराइड, तो इसमें रिलेटिव बॉइलिंग पॉइंट 70, इसका रिलेटिव जो मॉलिक्यूलर मास है वो 46, 44 और 50.5, ठीक है। तो इनमें सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है, लगभग इनकी मासेस, जो मॉलिक्यूलर मास है वो लगभग समान है, बट जो एल्कोहल है इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है इनके कंपेयर में। ऐसा क्यों है, क्योंकि एल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट अणुओं के बीच में प्रेजेंट हो तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होते हैं, जब हाइड्रोजन दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में आ जाए तो जो बॉन्डिंग होती है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे हमारा ये कोई एल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये भी क्या है, एल्कोहल का मॉलिक्यूल है, बट ये जो हाइड्रोजन है वो इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन के टच में आता है, तो दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में प्रेजेंट होने के कारण यहाँ क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिससे ये अणु क्या हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे। ऐसे ही ये हमारा एरोमेटिक एल्कोहल या फिनोल है, जैसे इसमें भी क्या पाई जाती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके कारण इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होते हैं समान अणुभार वाले एल्केन और साइक्लोएल्केन के तुलना में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स इन वाटर। इसमें भी हम देखते हैं कि एल्कोहल्स विद शॉर्ट कार्बन चेन, जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, और डिसॉल्व क्यों होती है वाटर में, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर, ठीक है ना। तो ये मेथेनॉल, एथेनॉल जो भी हैं शॉर्ट कार्बन चेन वाले, ये क्या है, वाटर सोल्यूबल होते हैं। इसका कारण भी क्या है कि ये वाटर के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, जिससे ये वाटर में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वही है एल्कोहल और वाटर के बीच में बनेगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, जिसके कारण ये एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल या डिसॉल्व हो जाएंगे। फिर इसमें नेक्स्ट है, सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस शार्पली विद द इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द कार्बन चेन। अब जो एल्कोहल में जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती है, ठीक है ना, श्रृंखला जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होती है, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। मतलब लोअर जो एल्कोहल होते हैं वो तो सोल्यूबल होते हैं, बट हायर जो एल्कोहल है वो सोल्यूबल नहीं होते। इसका क्या कारण है, इसको हम देखेंगे, हायर एल्कोहल्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है ना। तो जो
एल्कोहल है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है हाइड्रोफिलिक और दूसरा क्या होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है ना। हाइड्रोफिलिक जो OH ग्रुप वाला पार्ट है वो तो क्या है हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। और जो नॉन पोलर एल्किल ग्रुप है जो कार्बन की श्रृंखला वाला पार्ट है वो क्या होता है हमारा हाइड्रोफोबिक, ठीक है ना। तो अब जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे क्या हो जाएगी सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो एल्कोहल्स कंटेन पोलर एंड जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो आर कॉल्ड हाइड्रोफिलिक, एंड नॉन पोलर एंड एल्किल ग्रुप जिसमें एल्किल ग्रुप हो या कार्बन श्रृंखला हो वो क्या होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है ना, जल स्नेही और जल विरोधी, ठीक है, जिसके कारण एल्कोहल की सोल्युबिलिटी क्या होती है डिक्रीज। अब ये नेक्स्ट जो हमारा है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल्स आर मोर सोल्युबल देन मोनोहाइड्रोक्सी फॉर्म मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल। ये भी सीधा सा कंसेप्ट है कि जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल्स होते हैं वो ज्यादा सोल्यूबल होते हैं किसके कंपेयर में मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल्स के कंपेयर में, क्योंकि जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल्स है उसमें OH ग्रुप क्या होंगे ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे तो वाटर के साथ ये क्या करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इनकी ज्यादा होगी, जितने ज्यादा OH ग्रुप होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ही ज्यादा होगी और वो उतना ही ज्यादा क्या होगा सोल्यूबल होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन इंक्रीजेस द सोल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल इन वाटर, ठीक है ना। ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन कॉज द हाइड्रोफोबिक रीजन बिकम कॉम्पैक्ट। इस टाइप से हमने देखा कि जो हमारे एल्कोहल्स हैं उसमें उनका क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, क्या उनके क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि एल्कोहल्स हैं उनके क्लासिफिकेशन में हमने एल्कोहल्स को जो कार्बन और कार्बन एटम है उसके आधार पे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शियरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल में जिसमें OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो उसमें एक ही एल्किल ग्रुप हो, सेकेंडरी में जिस कार्बन से OH जुड़ा हो वो दो एल्किल ग्रुप से अटैच हो, और टर्शियरी जो एल्कोहल है उसमें जिस कार्बन से OH जुड़ा हो वो तीन एल्किल ग्रुप से अटैच हो। हमने इसके एग्जांपल और स्ट्रक्चर देखी, फिर हमने इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में देखा कि जो लोअर एल्कोहल्स है वो कौन सी फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं, हायर कौन सी फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं। फिर हमने इनका बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखा, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो एल्केन और साइक्लो एल्केन है समान अणुभार वाले उनकी तुलना में क्या होते हैं कम होते हैं, ठीक है, उनकी तुलना में सॉरी इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ज्यादा होता है और एल्केन और साइक्लो एल्केन का क्या होता है कम होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें इसमें ये देखा कि जो एल्कोहल्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट और फिर हमने इनकी सोल्युबिलिटी देखी कि ये वाटर में क्या होते हैं सोल्युबल होते हैं। क्यों सोल्युबल होते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ भी क्या बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। और ये भी अलग अलग की जैसे लोअर जो है इसमें भी दो पार्ट होते हैं एल्किल श्रृंखला वाला और हाइड्रोक्सी ग्रुप वाला, जल स्नेही और जल विरोधी पार्ट होते हैं, और जैसे जैसे ये एल्किल श्रृंखला बढ़ती है वैसे वैसे इनकी जो सोल्युबिलिटी है वो क्या होती जाती है डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि एल्किल ग्रुप बढ़ने से और OH जैसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल्स ये हैं जैसे जैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे इनकी सोल्युबिलिटी वो है वो क्या होगी इंक्रीज होती जाएगी। थैंक यू।